नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइटिका के बारे में, क्योंकि आजकल मुझे बहुत सारे कमेंट्स में साइटिका के बारे में बार बार पूछा जाता है। पिछले कुछ सालों से जिस तरह से वर्किंग स्टाइल और ड्राइविंग स्टाइल चेंज हुआ है और उसके चलते साइटिका का प्रॉब्लम भी बहुत ही कॉमन हो गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे साइटिका क्या होता है, ये किन कारणों से हो सकता है, बात करेंगे कि आपका दर्द जो है वो साइटिका का है कि नहीं, ये कैसे पहचानेंगे, क्योंकि जब तक बीमारी की सही पहचान नहीं होती उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। तो पूरी और सही जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि साइटिका क्या है। साइटिका का दर्द उस दर्द को कहते हैं जो साइटिक नर्व के मार्ग यानी साइटिक पाथ के साथ चलता है, जो आपके लोअर बैक से यानी हिप से होते हुए आपकी थाई यानी जांघ के पिछले हिस्से से निकलता है और नीचे पैरों की उंगलियों तक जाता है। आमतौर पर कटिस्थानी शूल यानी साइटिका आपके शरीर के केवल एक ही साइड को अफेक्ट करता है, यानी साइटिका का दर्द सिर्फ एक ही पैर में होता है। तो वो जब होता है तब साइटिका के नर्व पे प्रेशर आता है। अब जानते हैं कि ऐसा दबाव यानी साइटिक नर्व कंप्रेशन कब कब होता है। तो ऐसा दबाव तब होता है जब एक हर्निएटेड डिस्क यानी अपने रीढ़ की दो हड्डियों के बीच की डिस्क, जिसे बोलचाल की भाषा में बीच की गद्दी भी कहा जाता है, वो खिसक के सियाटिक नर्व को दबा देती है। स्पाइनल स्टेनोसिस भी एक ऐसी कंडीशन है जहां एक से ज्यादा इंटरवर्टिब्रल डिस्क खिसक के उस नर्व को दबा देती है। कभी कभी बड़ी हुई हड्डियां भी इस नर्व को कंप्रेस कर देती है और पेन फील होता है, और इसी पेन से प्रभावित जो पैर होता है उस पर आपको पेन और सुन्नता फील होती है। तो अब जानते हैं सियाटिका के लक्षण क्या क्या होते हैं। सियाटिका का दर्द मुख्य रूप से ज्यादातर आपके रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से, जहां पर रीढ़ की हड्डी और कूल्हे की हड्डी का जोड़ होता है, वहां से शुरू होता है। वहां से शुरू होकर ये कूल्हे के बीच से होते हुए जांघ और पैर में से होकर पैरों की उंगलियों तक पहुंच जाता है। ज्यादातर ये दर्द एक तरफा ही होता है, यानी सियाटिका एक पैर में ही देखा गया है, लेकिन कभी कभी पीआईडी यानी प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क की मॉडरेट केसेस में यह दर्द दोनों पैर में भी होता है। इस दर्द में आपको जलन होने लगती है, या तो आपके पैर में जलन होगी या फिर आपके हिप एरिया में जलन होगी। और ज्यादातर लोगों के जब साइटिका के दर्द होता है तो उनके जिस पैर में दर्द होता है उस पैर में कई बार सुन्न पड़ जाना ऐसी दिक्कतें भी दिखाई देती है, या वो पैर काफी कमजोर हो जाता है और उसमें से आपको एकदम उठने बैठने को प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा साइटिका का दर्द का लक्षण है, क्योंकि आपके पैर में एकदम से जब होता ये दर्द होता है तो आपको उठने बैठने में काफी दिक्कत होती है। दोस्तों यहां मैं आपको एक मजे की बात बता दूं कि कैसे आयुर्वेद ने सिर्फ एक ही लक्षण से सियाटिका का डायग्नोस कर दिया है। आयुर्वेद में साइटिका को घृद्रसी कहा जाता है, यानी जिस बीमारी में इंसान घृद्र यानी गिद्ध पक्षी की तरह एक पैर को ज्यादा उठाते हुए चलता है ना, कितना आसान डायग्नोसिस। अब आते हैं साइटिका के कारणों की तरफ। जैसा मैंने आपको भी बताया है कि रीढ़ की हड्डियों के बीच के डिस्क के यानी साइटिक नर्व का कंप्रेशन हो जाना, तो ये नर्व कंप्रेशन कई वजह से होता है। डिजनरेटिव डिस्क डिसीज से भी साइटिका होता है, जिसमें डिस्क घिस के पतली हो जाती है। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस भी एक मेजर कारण होता है जिससे ये तकलीफ हो सकती है। साइटिका का एक प्रकार माना जाता है जिसे पॉकेट साइटिका भी कहते हैं। ये उन पुरुषों में देखा जाता है जिनको अपने पर्स अपने हिप पॉकेट में रखने की आदत होती है, यानी पिछली जेब पे रखने की आदत होती है, जिससे बैठने पर पर्स की वजह से एक बाजू की रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा तनाव यानी प्रेशर आ जाता है। कम उम्र में होने वाले साइटिका पेन का ये सबसे बड़ा कारण है। महिलाओं में साइटिका का दर्द जनरली तब होता है जब महिला गर्भवती होती है। ऐसा बहुत बार होता है कि जब महिलाएं गर्भवती होती है तो उनको ये दर्द होता है, और जब शिशु का जन्म होता है तो उसके बाद ये लक्षण लगभग कम हो जाते हैं। जो महिलाएं काफी ऊंचे जूते यानी सैंडल्स पहनती है उनके कारण भी ये दर्द हो सकता है। उनके पैर पर दबाव सही से और समतल जगह पे नहीं आता, इसके कारण हमारे शरीर की मांसपेशियां खिंच जाती है और इसका सीधा असर रीढ़ की हड्डी और कूल्हे के जोड़ पर पड़ता है, जहां से दर्द पनपना शुरू हो जाता है। सीजरियन सेक्शन के लिए दिए जाने वाले इंजेक्शन के बाद भी बहुत सारी औरतों में इसके ऐसा दर्द दिखाई देता है। ज्यादातर देखा गया है कि जो लोग मोटे होते हैं उनमें साइटिका का दर्द बहुत ज्यादा पाया जाता है। वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ता है, और कई बार रीढ़ की हड्डी में लगी हुई चोट भी इस दर्द का प्रमुख कारण होता है। बहुत देर तक ड्राइविंग करना, फिर चाहे वो साइकिल चलाना हो, मोटरसाइकिल चलाना हो या फिर कार या ट्रक, इन सभी कारणों से सियाटिका का दर्द हो सकता है। अब बात करते हैं साइटिका के इलाज के।
साइटिका के लिए सबसे अच्छा और सबसे आसान उपाय है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, यानी व्यायाम करना, जिससे आपके सियाटिक नर्व में आया हुआ कंप्रेशन दूर हो जाता है, जिसमें आपको सूर्य नमस्कार जैसे आसान एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। जमीन पर लेटकर अपने एक पैर को हवा में ऊपर उठाना और नीचे करना, फिर से ऊपर उठाना, ये भी एक काफी लाभदायक व्यायाम होता है। कमर के लिए जो आप एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं, वो सभी आप इसमें आपको फायदा देंगे। लकड़ी के बिस्तर पे सोना बिना गद्दे के, ये भी इसमें काफी अच्छी ट्रीटमेंट होती है। पॉकेट साइटिका के लिए आप अपने पिछले पर्स में पॉकेट रखना बंद कर दें, तो आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। जो लोग लगातार ड्राइविंग करते हैं, वो लोग भी ये ध्यान में रखें कि आपको ड्राइविंग कंफर्टेबल सीट पे बैठ के करें और अपना पोस्चर हमेशा ठीक रखें। बहुत बार साइटिका का पेन एक टेम्पररी तकलीफ होती है और कुछ दिनों तक महसूस होता है और बाद में अपने आप चला जाता है, लेकिन थोड़ा आप आराम करेंगे तो भी ये कम होता है। साइटिका का दर्द बहुत ज्यादा हो तो डॉक्टर के पास जाकर बॉडी का MRI स्कैन या फिर CT स्कैन करना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि कंप्रेशन कहाँ पे है। इससे हमारे दर्द के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल जाती है कि ये दर्द कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ तक जा रहा है। इस पेन के लिए सिर्फ पेन किलर्स दिए जाते हैं, जो कुछ वक्त के लिए आपको दर्द से राहत दिलाते हैं। फिजियोथेरेपी भी इस दर्द को कम करने में काफी मददगार साबित होती है। यदि PID बहुत ज्यादा है तो आखिर में सर्जरी का ऑप्शन भी दिया जाता है, लेकिन ये ऑप्शन सीरियस एक्सीडेंट या फिर रीढ़ की हड्डी के बहुत रेयर कंडीशन में किया जाता है। दोस्तों, दर्द होने पे बहुत बार हमें मसाज करने की सलाह दी जाती है, लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखनी कि मसाज बहुत हल्के हाथों से करें और वो भी बिना जोर लगाए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जिनका दर्द मसाज के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी साइटिका की। मुझे आशा है कि आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आजकल काफी आम होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप अपने इससे जुड़े सवाल मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बहुत ही जल्दी एक ऐसी नई वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।